हूँ तो सेंट्रल मिनिस्टर, लेकिन सिर्फ खाना पूर्ति के लिए। मैं सोच रहा हूँ कि रिजाइन ही कर दो। आपके लिए ओके तो मेरे लिए ओके सर। ए जिमी, ए वेंडर भाई, यहाँ पर सोने का नहीं, चल जा जा। जिमे जिमे, यहाँ देख जिमे। अरे चुप रहना। कौन है तू? वेंडर सर। यहाँ क्या कर रहा है? समझा नहीं सर। नॉर्थ का है क्या? हाँ। इसीलिए यह हाल है। आईडी दिखा। नाम क्या है? मुकी सर। जोर से बोल, मुकी कुमार सर। ए, चिल्ला क्यों रहा है? इतनी जोर से क्यों बोल रहा है? आपने ही तो जोर से बोलने को कहा था ना सर। ये हाई सिक्योरिटी एरिया है, अंदर आना मना है। आउट। ओके सर। ए, बहुत गर्मी है तुझे। नहीं सर। सर सर, वेंडर सर, कोल्ड ड्रिंक, कॉफी, टी कुछ भी। गर्मा गर्म कॉफी लेकर आओ। ओके सर। सर लंच टाइम में कॉफी आपके लिए ओके तो मेरे लिए ओके सर। हाँ माँ। बेटा खाने के बाद तूने दवाई खा ली थी ना? नहीं, खाना भूल गया। कैसे भूल गया बेटा, तुझे पता है ना दवाई खाना। मैं बाद में खा लूंगा। बेटा दवाई खाकर थोड़ा आराम। मैं आराम करूंगा तो आप यहाँ काम करेंगे? ऐसा नहीं तो फिर आराम कैसे कर लूं? दवाई समय पर नहीं खाएगा तो तकलीफ तुझे ही होगी ना, और फिर हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। एक ही बात बार बार क्यों बोल रही हैं आप? क्यों बोल रहा है बेटा? फोन रखिए। बेटा ऐसी बातें क्यों कर रहा है? फोन रखिए आप। बेटा फोन रखने को बोल रहा हूँ। अच्छे के लिए ही कह रही हूँ बेटा। देख क्या रहे हो? आई एम ओके राइट? हाँ ठीक हो। एक्सक्यूज मी सर, मे आई कम इन? अंदर आ गए, आ जाइए सर। गुड मॉर्निंग सर। I am pantry manager Chandrakant. I am not only manager. Ex-military sir. Indian Railways में best pantry हमारी है. इसकी एक ही वजह है, वो हूँ मैं. ऐसा सब बोलते हैं सर. कुछ लोग बोलते हैं सर. यहाँ कोई भी VVIP आए तो मैं खुद आकर सर्विस देता हूँ सर. क्योंकि ये वेंडर लड़कों पर भरोसा नहीं कर सकते सर. सर. नाइस ना सर. मैंने कोल्ड कॉफी नहीं मांगी थी. हाँ? सर कॉफी. गुड. ये कब हुआ? बस सेफ्टी में. सर ये वेंडर वो है ना सर, मेरा शिष्य है सर. आपको जब भी किसी चीज की जरूरत हो तो आप. मैं बुला लूंगा. थैंक यू सर. लेकिन तुम बताना, इस लड़के को भेजना. सर तो फिर मैं. बंद करके चलते हैं सर. फ्लास्क, फ्लास्क कहा मैंने? चलता हूँ सर. चलिए. देखा ना? देखा. अरे वो वाला देखा नहीं, कितने बड़े इंसान हैं, दूसरे बड़े इंसान से छोटे की तरह काम नहीं करवा सकते, इसलिए प्यार से बाहर भेज दिया. इनकी तरह ब्रॉड वाइट ओपन रहना चाहिए. ये सब बड़े गिफ्ट होते हैं, तुम जैसी नेक्स्ट जनरेशन को समझना चाहिए. ये सब छोड़कर तुम्हें बुलाया, मुझे बाहर भेज दिया, ये सब बेकार की बातों की चर्चा मत करना. ऐसा भी होता है सर. तेरा मुंह अब और कैसे बंद करवाऊं? इट्स करेक्ट टाइम टू कनेक्ट हर. सरोजा जरा मेरा पैर दबा दे. शीशा के पैर देखो तो अच्छे से देखते है ना सर. तुम कौन हो? मैं टीटी हूं, पैंट्री मैनेजर. अरे आंटी मैं आपको सोचकर नहीं आया था. तुम किसको सोचकर अंदर आया था? मम्मी पता नहीं कौन है, क्या कर रही है, छोड़िए ना इसे यहां पर. चुप इट चलो, दिमाग नहीं है क्या? इज दिस द वे टू बिहेव? श्रीसा जी आप मुझे गलत मत समझिए. इसे तो चुप्पल समाना चाहिए. देख के रहिए, जगह चीफ टीटी को बुला. इसे सोचोगे क्या? मुझे चप्पल मारिए. स्टेशन में उतरकर तुम्हारी कंप्लेंट जरूर करूंगी. माजी 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 कंप्लेंट की जाए, इतने बड़े इंसान नहीं है, अब बूढ़े हो गए हैं. तो बूढ़े लोग ऐसा करते हैं क्या? बदमाश कहीं का. पागल है माजी. पागल हुए? चुप रहिए सर, यहाँ से जाना है या नहीं? हाँ जाना है. चीज़ तो चीज़ को बुला अभी. कुछ मैं इसे छोड़ूंगी नहीं, समझता क्या है? मेरे लिए इनको माफ कर दीजिए. ठीक है, तुम्हारे लिए माफ कर देती हूँ. माफी मांगिए सर, माफी मांगिए. मैडम सॉरी मैडम. थैंक यू मैडम. छूटने पर भी थैंक्स बोल रहा है सर. चलिए. तूने सब कुछ ओपन करके रख दिया. सर आप ही ने कहा था जो भी करो ब्रॉडली, वाइडली और ओपनली करो. वो तो मन की बात के बारे में कहा था. सॉरी सर, आपकी आंखों में एक हवस की प्यास दिखाई दी मुझे. हवस की प्यास? क्यों भाई, मैं तो हंसते हुए देख रहा था, वो तुझे हवस लगा? सॉरी सर, यहाँ जो हुआ किसी को पता नहीं चलना चाहिए. ओके चुप निकल चलते हैं. चिंकी चिंकी यहाँ क्या कर रहे हो? थैंक्स सर. साउथ क्यों क्या? हाँ सर, आप ही साउथ से हैं? हाँ. साउथ में कहाँ से? चेन्नई से. ओ, मैं त्रिवेंद्रम से. तुम्हारे साथ वहाँ और कौन है? वो एक्ट्रेस श्रीशा है ना, मैं उनकी असिस्टेंट हूँ. सर आपको उनके साथ फोटो खिंचवानी है? नहीं ठीक है. तुम्हारा नाम क्या है? चित्रा घोषाल. मेरा नाम तुम चित्रा घोषाल बनो ये मैं भी चाहता हूँ, लेकिन इस तरह किसी से भी बात करते घूमोगी तो गला और भी खराब हो जाएगा. अभी जावेद अख्तर जी से बात हुई थी, उन्होंने रहमान जी को बता दिया. दूध तैयार है, तुम तैयार हो जाओ. मैं बस मैडम को खाना दिखाती हूँ. क्या बकवास कर रहा था उसे? सर वेज मील लेंगे या नॉन वेज मील? मैं बात कर रहा था तो बीच में क्यों बोला? बात करने का टाइम ही नहीं है मेरे पास, अभी तो बस खाना ही मिलेगा सर. जहाँ बोला वहीं पोस्टिंग कर दिया ना. गुड आफ्टरनून सर. ऐसे उनकी इज्जत कौन करेगा?
रख दिया क्या? हाँ सर। दोबारा कॉल मत करना, हमारी बात ना सुनने की ठान ली है उसने। ज्यादा बोलोगे तो कहेंगे कि केंद्र ने यह फैसला लिया था, इसलिए मेरी बात। सॉरी सर। बेटा जरा बाहर जाओ। ओके सर, थैंक यू सर। कहीं आँखें न लड़ जाए। सर वेज मील या नॉन वेज मील? पार्टी इस लड़के के जैसी होनी चाहिए। छोटी सी ही गलती थी लेकिन उसे भी साफ कर गया। और एक तुम लोग हो। हमारे स्टेट की लड़की को तू ऐसे ही पटा लेगा? सर आप क्यों इस तरह ये स्टेट वो स्टेट की बात कर रहे हैं? हम सब तो ऑलवेज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं सर। तो वो लड़की तुम्हारी बहन लगती है? उसकी बहन मेरी बहन है। तो उससे रिश्ता हो गया तेरा? हो जाएगा तो ना नहीं करूंगा। हा? नहीं मतलब हम किसी काम से पीछे नहीं हटते, ऐसा कहा सर? वो देखिए डी कैबिन में श्रीशा आ जा रही है, वो भी दूसरे स्टेट की है, लेकिन रहती तो हमारे ही स्टेट में है ना। सिर्फ इतना ही नहीं, गुप्ता अग्रवाल चोपड़ा सारी हीरोइंस को हम ही तो मौका देते आए हैं। ऐसे कई लोगों को मौका देकर उनकी जिंदगी बनाकर हम तो बस आगे निकलते चले जाते हैं। तुम लोग कभी आगे नहीं निकलोगे। तुम्हारे यहाँ टैलेंट होता तो बाहर की लड़कियाँ तुम्हारे यहाँ आकर हीरोइन को बन जाती। ऐसा मत बोलिए सर, हमारे यहाँ की लड़कियाँ बॉर्न आर्टिस्ट हैं। लड़कों से पूछ कर देखना क्या एक्टिंग करती है, बता देंगे। लेकिन क्या है ना, उन्हें सिनेमा में काम करने का इंटरेस्ट नहीं है। नहीं तो हमारे लोग भी कुछ कम नहीं है सर। बड़े लोग हैं। तुम्हारा मिनिस्टर बड़ा आदमी है ना, लेकिन उसकी सुरक्षा के लिए चीफ कमांडर नंद कुमार है, साउथ का है, समझा ना? सर हम भी तो बड़े ही है ना सर, फिल्में तो देखते ही होंगे ना आप। आपके शहरों में भी हमारे ही लोग हिट है, सारे सुपरस्टार्स हमारे ही स्टेट के हैं। और रजनीकांत वो तो हमारी तरफ का है ना। लेकिन काम तो हमारे स्टेट में करता है ना, वो बात इम्पोर्टेंट है। ठीक है सर, जाने दीजिए ना, ऑल इंडियंस बड़े लोग हैं सर, हम बस दोस्त हैं। शाम को दो कटलेट एक्स्ट्रा लेकर आऊंगा सर, इस गन के साथ एक सेल्फी लूं क्या? सर ये क्या है सर, सिर्फ छूकर ही तो देख रहा था ना। छूकर? ये तुझे कोई खिलौना लगता है जो तुझे छूकर देखेगा? तेरे बस की चीज नहीं है। तेरी तो चाहे, इसके लिए पढ़ाई किया, ट्रेनिंग लेकर एसआई बना, कमांडर के 100 दिन कैंप करके गन हासिल की है। छुएगा? सर मुंह बंद रख। दो कौड़ी का चाय बेचने वाला बेवकूफ, तेरा चेहरा देख के घिन आ रही है मुझे तो, उल्टी आ रही है। क्यों सर? क्यों सर, सांप नेवले को क्यों पसंद नहीं करता, इसका जवाब है तेरे पास? तू बस मुझे पसंद नहीं है, यू आर जस्ट गार्बेज। मतलब कचरा, वेस्ट, ह्यूमन वेस्ट। सर नहीं सर, बुरा लग रहा है सर, जैसे तैसे अपनी जिंदगी ट्रेन में गुजार रहा हूँ, ऐसा क्या गलत कर दिया मैंने सर? अगर मैंने कुछ गलती की है तो माफ कीजिए। घिन आती है, तेरा चेहरा देखते ही घिन आती है। तू जा, तू इस तरफ सर्विस के लिए मत आना, अपने मैनेजर को भेज। यहाँ ठीक है सर। ए बेटा जरा इसमें दाल डाल दो। नहीं मुझे यहाँ काम करने से मना किया गया। दाल नहीं डालने का ऑर्डर तुम्हारे पास दिल्ली से आया है क्या? किसने मना किया? जी सर मैं नहीं आऊँ, पेंट्री मैनेजर ही आकर सर्विस करेगा सर ने बोला। कौन है बेटा वो? बाहर खड़े हैं। जरा बुलाओ उसे। सर बुला रहे हैं सर। आइए सर, आप यहाँ आकर बैठिए, मैं वहाँ गन पकड़कर खड़ा हो जाता हूँ। क्यों भाई, मेरे लिए दाल कौन लाएगा क्या ये भी डिसाइड नहीं कर सकता? पेंट्री मैनेजर को मैंने ही कहा था कि वो इसे भेजे, और तुम हो कि पेंट्री मैनेजर को ही यहाँ आने के लिए कह रहे हो? दोनों मिलकर खाने में जहर मिलाकर मुझे मारने का प्लान कर रहे हो क्या? क्यों जी, तुम्हें शक नहीं हो रहा है? हो रहा है सर। सर हाँ। आपको शक करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खाना खाकर चेक करता हूँ फिर आप खाइएगा। तो आपके कहने का मतलब है कि अब मैं आपका जूठा खाऊं? किस बात की गर्मी है तुम्हें? मेरा वो मतलब नहीं। मुझे लगता है कि तुमने ये सोच कर रखा है कि जो मच्छी मटन मिनिस्टर के लिए आएगा वो तुम खाओगे। सर मैंने उस एंगल से नहीं बोला था सर। अरे भाई तो इस एंगल से बोलो, कुछ तो बोलो। तुम्हारा चेहरा देखते ही मुझे घिन आती है, दिमाग खराब हो रहा है। ऐसे लोगों को भर्ती कैसे कर लेते हैं, एकदम जाहिल लग रहा है। चलो बाहर निकलो। उस बच्चे को क्यों घूर रहे हो, जाओ। सर आजकल तो वॉचमैन भी हमारी इज्जत नहीं करता। बेटा तुम जरा 10 मिनट बाद आना। ठीक है सर, आता हूँ सर। तूने मुझे फंसाया ना? नहीं सर, शब्द एक बीज की तरह होता है सर, हम अच्छा बोएंगे तो अच्छा उगेगा और बुरा बोएंगे तो। पर आपको इतनी जल्दी फल मिलेगा ये नहीं सोचा था। मैं तैयार हूँ। सर जब हमें सब पसंद आएंगे तो ही हम सबको पसंद आएंगे ना। चलो चलो। देखिए पसंद आया ना। बेकार की बातों में टाइम वेस्ट कर रहे हो, चलो यहाँ से। हाँ चलते हैं चलते हैं। ए ट्रेनिंग के दौरान हमारे बैच के 2 आदमी मिस हो गए, लेकिन हकीकत में वो मिस नहीं हुए। बी केयरफुल। क्या कहा इसने? मुझे भी समझ में नहीं आया, दरवाजा बंद कर लेते हैं।